खुशी है कि बिहार की पहली स्पोर्ट्स पर्सन बनी जो समर ओलंपिक गेम्स में रिप्रेजेंट करेगी बिहार। सानेबाजी में दिया, मैं जो भी काम करती हूँ 100% अपनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी पे करती हूँ। इसीलिए कहते हैं ना, देर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आज राजनीति के फील्ड में भी और निशानेबाजी के फील्ड में भी मुझे एक छोटे ही लेकिन एक मजबूत कामयाबी मिली है। तो बिहार की जनता से ये अपील करती हूँ कि आप लोग अपना ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा दुआ मेरे लिए जमुई मेरे साथ भेजे, ताकि जो 1% लक है वो भी हमारे फेवर में। जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल ही आती है, या यूं कहें जिनमें टैलेंट होता है उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये कहावत बिहार की बेटी और जमुई की लोकप्रिय भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह पर बिल्कुल सटीक बैठती है। दरअसल पेरिस में आगामी 26 जुलाई को आयोजित होने वाले ओलंपिक गेम के लिए भारतीय निशानेबाजी टीम में बिहार की इकलौती खिलाड़ी श्रेयसी सिंह का चयन हुआ है। श्रेयसी जमुई विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक हैं। ओलंपिक गेम को लेकर श्रेयसी सिंह ने बताया कि निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत के लिए 21 सदस्य खिलाड़ियों में उनका चयन हुआ है। बिहार सरकार अपने खर्चों पर ट्रेनिंग और ट्रेवलिंग की व्यवस्था कर रही है, जिसके लिए उन्होंने बिहार सरकार को धन्यवाद दिया है। श्रेयसी सिंह ने कहा कि मेरे पिताजी भी चाहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े खेलों में हिस्सा लूं। ये पूरे बिहार के लिए एक गौरव का पल है। मैं बहुत भावुक हूं इस बात को लेकर। ये हमारे लिए और हमारे साथ साथ पूरे बिहार के लिए एक बहुत ही गौरवशील क्षण है। निश्चित रूप से मैं बहुत भावुक हूँ इस पल को लेकर, क्योंकि बहुत सारे इमोशंस हैं जो एक खिलाड़ी होने के नाते, एक बेटी होने के नाते मेरे मन में चल रहे हैं। खुशी है कि बिहार की पहली स्पोर्ट्स पर्सन बनी जो समर ओलंपिक गेम्स में रिप्रेजेंट करेगी बिहार को। पिछले 17 साल के करियर में मैंने बिहार के लिए खेला है। जब नेशनल लेवल पे पदक जीते तो बिहार का नाम रोशन किया है। और ये मेरे पिताजी का सपना था कि मैं बिहार के लिए खेलूँ और बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत का प्रतिनिधित्व करूँ। तो उस सपने को आज मैंने हासिल किया है कि ओलंपिक जैसे बड़े स्टेज पे जाकर भी मैं अपने बिहार को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। साथ ही साथ दुख भी हो रहा है कि पिताजी नहीं हैं, उनका 2010 में वो हमारे बीच नहीं रहे, और उनका ये बहुत बड़ा सपना था कि मैं ओलंपिक गेम्स जाऊँ बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए। तो आज वो रहते तो किस तरह से मुझे ब्लेस करते, किस तरह से वो खुश होते और किस तरह से उनका मार्गदर्शन मिलता कि मैं अपनी प्रशिक्षण बेहतर कर पाऊँ। तो उसका मन, उसके लिए मन में दुख भी है, लेकिन साथ ही साथ एक मजबूत टीम जो मेरे माँ, मेरी बहन से शुरू हो के BSSA की बात करें या BSRA की बात करें, नेशनल राइफल एसोसिएशन की बात करें, तो एक बहुत बड़ी और अच्छी टीम है जो मेरे साथ आज एक सपोर्ट बन के खड़ी है। और वो टीम चाहती है कि मैं अच्छा प्रदर्शन करके दिखाऊं, तो थोड़े से वो नर्वसनेस भी है। निश्चित रूप से जैसे मैंने आपको कहा कि इट्स अ वेरी ओवरवेलमिंग इमोशन फॉर मी टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक गेम्स, बट आई होप दैट आई मेक इंडिया एंड बिहार प्राउड। देखिए, चुनौती तो हमेशा बड़ी ही होती है, लेकिन चुनौती से बड़ा सवाल होता है कि आप कितना तैयार हैं। मैंने जब जब खेला है तब तब, या जब भी अपना समय राजनीति में दिया या निशानेबाजी में दिया, मैं जो भी काम करती हूँ 100% अपनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी पे करती हूँ। इसीलिए कहते हैं ना, देर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आज राजनीति के फील्ड में भी और निशानेबाजी के फील्ड में भी मुझे एक छोटे ही लेकिन एक मजबूत कामयाबी मिली है। तो कहीं ना कहीं जो हार्डवर्क की फीलिंग मेरे अंदर रही है या जिस तरह से मैंने मेहनत की है, उसका रिजल्ट आज हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, पहले भी मिलता रहा है। तो इसी हार्डवर्क को लेकर मैं आगे बढ़ूँगी, और मुझे यकीन है 99% हार्डवर्क रहता है और 1% लक रहता है। तो उस 1% लक के लिए मैं आप सभी मीडिया के जितने भाई मेरे सामने हैं, मैं आप सबके माध्यम से बिहार की जनता से ये अपील करती हूँ कि आप लोग अपना ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा दुआ मेरे लिए जमुई मेरे साथ भेजे, ताकि जो 1% लक है वो भी हमारे फेवर में रहे। दोनों चीज़ कैसे मैनेज करते हैं? ये कोई आसान कार्य नहीं रहा मेरे लिए। पिछले 3.5 साल में जिस तरह से मेरा हेक्टिक शेड्यूल रहा है, मैंने एक भी पर्सनल डे नहीं रहा लिया है ना। तो मेरी जब तबीयत ख़राब हुई तब मैं घर पर आराम कर पाई, ना तो फैमिली के साथ किसी फैमिली फंक्शन में जा पाई, ना किसी वेकेशन में जा पाई। तो हर वक्त मैंने या तो अपना समय जो 24 घंटे दिन के होते हैं, या तो वो निशानेबाजी में दिया है, या तो वो राजनीति को क्षेत्र में अपने फील्ड में दिया है। तो इसीलिए आज मुझे नहीं लगता कि ये निर्णय, मुझे नहीं पता कि ये निर्णय सही था या गलत था, लेकिन इस निर्णय के साथ बहुत से लोगों के ख्वाब जुड़े हुए हैं।
जितनी अपेक्षाएं जमुई की जनता के लोगों को है मुझसे एज अ विधायक, उन अपेक्षाओं पे भी मैं खड़ी उतरी हूँ। बहुत खुश है लोग कि मैं उन लोगों के काम कर पा रही हूँ, जमुई में विकास की धारा को आगे। बता दें कि श्रेयसी सिंह बिहार के दिग्गज नेता रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी हैं, जो कि 2020 में भाजपा में शामिल हो गई थीं। बिहार की वीवीआईपी सीटों में से एक जमुई विधानसभा सीट पर बीजेपी कैंडिडेट श्रेयसी सिंह ने अपने डेब्यू सियासी पारी में शानदार जीत हासिल की है। श्रेयसी ने आरजेडी के विजय प्रकाश को 41,049 वोटों से शिकस्त दी थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।